जींद के सिविल अस्पताल के आई थिएटर में आंखों के ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन फैलने का मामला सामने आया था, जिसमें अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ओटी से 10 सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। विभाग की ओर से मामले की गहनता से जांच करवाई जा रही है। रिपोर्ट आने तक ऑपरेशन थिएटर को बंद रखा जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने ओटी से दीवारों, फर्श, ऑपरेशन में यूज होने वाले उपकरणों, दवा और इंजेक्शन आदि के 10 सैंपल जांच के लिए लैब में भेज दिए हैं। दरअसल सिविल अस्पताल के आईओटी में 30 मई को 5 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। तीसरे दिन जब दोबारा से मरीजों को आंख चेक कराने के लिए बुलाया गया तो उनमें इन्फेक्शन पाया गया। 2 मरीजों में ज्यादा इन्फेक्शन दिखाई दिया तो सभी 5 मरीजों को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया, जहां एक मरीज रामफल की आंख में ज्यादा संक्रमण मिलने पर डॉक्टरों ने उसकी आंख निकाल दी, जबकि महिला दर्शना की आंख में इन्फेक्शन ज्यादा होने के चलते उसकी आंख की रोशनी चली गई। हालांकि परिजनों ने अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। 5 व्यक्तियों के यहाँ पे आंखों का ऑपरेशन हुआ था और बाद में उनका फॉलोअप में पता चला कि उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। उनको यहाँ से रोहतक रेफर मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया था तो पता चला कि 2 लोग तो वहां चले गए थे और 3 कहीं और प्राइवेट अस्पताल में चले गए। इसका संज्ञान लेते हुए हमने 3 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया है, वो जांच करके बताएगी 3 दिन के अंदर अंदर। और वहां पे जो ऑपरेशन थिएटर है उसकी दीवारों के, चादरों के और कुल मिलाकर 10 सैंपल वहां से ले लिए हैं। और जो ऑपरेशन के दौरान जो भी दवाइयां या फ्लूइड किसी तरह का जो यूज हुआ है उसके भी सैंपल ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से लेकर जांच करवाई जाएगी। तो सर ये जो एक व्यक्ति की आंख भी निकाली गई जो मरीज आया था वो, हाँ ये मैंने भी ऐसे सुना है लेकिन कंफर्म नहीं है। ये तो आई सर्जन जो इलाज कर रहा है वो ही फैसला लेते हैं कि उस मामले में, इलाज के मामले में क्या किया जा रहा है। एक की तो आंख भी चली गई है। हाँ इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो आई सर्जन ही बता पाएंगे कि भी आंख निकालने की नौबत क्यों आई। डॉक्टर साहब ये कहीं ना कहीं लापरवाही कह सकते? नहीं, लापरवाही अभी इस सतर पर लापरवाही नहीं कही जा सकती, क्योंकि पीछे भी कई वर्ष पहले ऐसे ही जो आंखों के ऑपरेशन के दौरान जो दवाइयां फ्लूइड यूज करते हैं उसमें इन्फेक्शन था, उस इन्फेक्शन की वजह से ऐसा मामला हुआ था। तो अभी बगैर जांच के, बगैर सैंपल की रिपोर्ट आई ये नहीं कहा जा सकता कि भी इसमें लापरवाही। विभाग की ओर से मामले की गहनता से जांच कराए जाने का दावा किया जा रहा है और रिपोर्ट आने तक ऑपरेशन थिएटर को बंद रखा जाएगा। साथ ही प्रशासन ने एक कमेटी का गठन भी किया है और सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सूर्य समाचार के लिए जींद से परमजीत पवार की रिपोर्ट।